बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौर पब्लिशर्स। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्स फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। माय नेम इज असीब यामीन खान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गौर स्किल अप मैथमेटिक्स सीरीज ग्रेड 5 एंड द यूनिट इज 3। द टाइटल ऑफ यूनिट 3 इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 3.1। 3.1 में हमें वो क्वेश्चन 1 में दे रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको नंबर्स दिए गए, इनका प्रोडक्ट फाइंड करके दें। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें वो दे रहा है, एट फाइव जीरो टू वन को 69 से देखें। 9 1 9, 9 टू द 18, 18 इधर 1 कैरी, 9 को 0 से किया तो 0, 1 जो ऊपर कैरी में था वो ऐड अप हो गया 1, 9 5 द 45, 4 कैरी, तो 9 8 द 72, 72 में 4 ऐड किया 73, 74, 75 एंड 76। अब देखें हमने टेंस प्लेस वाले को करना है, तो इधर क्या आ गया 0। अब देखें 6 1 द 6, 6 टू द 12, 1 कैरी, 6 0 0 1 ऐड अप होके 1 आ जाएगा, 6 5 द 30, 3 कैरी चला जाएगा, तो 6 8 द 48, 49 50 51, तो इधर क्या आ जाएगा 51। अब हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 9 में 0 ऐड किया 9, 8 में 6 ऐड किया 9, 10 11 12 13 14, 14 का 4 1 कैरी, 1 और 1 2 और 2 4, 5 और 1 6, 6 0 6, 7 और 1 8 और ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसका हम एक और पार्ट भी रिजोल्व करके देख लेते हैं, थ्री डिजिट वाला। तो आइए मूव करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट नंबर 2 भी करके देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, 6 3 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 5 4 के साथ। तो देखें 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, तो 2 इधर आ गया 1 कैरी, 4 3 द 12 और 1 13, 1 कैरी, 4 6 द 24 और 1 25। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये टेंथ प्लेस पे है तो इधर 1 प्लेस पे 0 आ जाएगा, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 1 कैरी, 5 3 the 15 और 1 16, 1 carry, 5 3 the 15 और 1 16, 6 फिर 1 carry, 5 6 the 30 और 1 31। थर्ड पे मूव करते हैं, इसमें हमने ये 100 प्लेस पे है तो पीछे 2 0 आ जाएंगे, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 3 the 9 और 3 6 the 18। अब इनको ऐड अप करेंगे, 4 8 में 5 ऐड किया 9, 10 11 12 13, 3 1 कैरी, 2 1 3, 3 और 3 6, 6 6 12 13 14 15, 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 में 9 ऐड किए 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 1 2 कैरी आ जाएगा इस पे, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 में 9 ऐड किया तो 5 में 9 ऐड करते हैं, नहीं है 9 में फेवर करें 10 11 12 13 14, यहाँ 4 आ जाएगा 1 कैरी, 8 में 3 ऐड किया 9 10 11 और एक 12, 1 कैरी, 2 में ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा 2। तो हम जो फैक्टर से इसको रिमूव कर देते हैं, ये हमारा रिमूव, ये जी, तो हमारा कलेक्टिवली आंसर हमारा क्या आ जाएगा दिस वन। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं, 2 में हमें वो कह रहा है, हम इसमें लेट्स सपोज को हम कर लेते हैं, ये थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें वो कह रहा है, 2 के थर्ड पार्ट में 80147 को मल्टीप्लाई करना है 107 से। करते हैं 7 7 द 49, 4 कैरी, 7 4 द 28, 29 30 31 32, 3 कैरी, 7 द 7 और 3 10, 1 0 1 कैरी, 7 0 0 1 वैसे आ जाएगा, 7 एट द
56। अब हमने क्या करना है, सेकंड है तो टेंथ प्लेस पे आइए, तो वन प्लेस की जीरो हो जाएगी, 070 040 010 000 and 080। अब इसकी ये 100 प्लेस पे है तो ये दोनों जगह जीरो आ जाएगा, तो देखें 177 144 111 100 and 188। अब इसको सम अप करके आंसर आ जाएगा 9009275758। तो ये हमारा कलेक्टिवली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2834 इज द मल्टीप्लिकेंट एंड 27 इज द मल्टीप्लायर। वो कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या प्रोडक्ट निकल रहा है। इसको हम बिल्कुल इसी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन का वन पार्ट को रिजॉल्व किया था। तो देखते हैं 7 4 the 28 2 carry 7 3 the 21 22 23 2 carry 7 8 the 56 57 58 5 carry 7 2 the 14 on 5 19 0 again 10 इसकी 1 place पे 2 4 the 8 2 3 the 6 2 8 the 16 1 carry 2 to the 4 or 1 5। तो देखें 8 8 or 3 11 8 or 1 9 9 or 6 10 11 12 13 14 15 1 carry 9 or 1 10 10 or 6 16 1 carry 1 or 1 2 2 or 5 7। तो collectively हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 6 5 1 8। तो जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।